हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्रदास। आज हम बहुत ही दिलचस्प ऐसी लीला तुकाराम महाराज की एक लीला देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले ये सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आखिरी तक देखिए। एक बार तुकाराम महाराज अपने घर पे थे, राम कृष्ण हरि का नाम जप के रहते, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, अपने घर पे बैठे थे। उसी समय कुछ वहां से गांव की, देहू गांव की कुछ स्त्रियां आती है और आवड़ी को बुलाती है। तो आवड़ी घर के अंदर से आती है और बोलती है, क्या हो गया? तो आवड़ी को ये सारी स्त्रियां बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है, गांव में बड़ा फेस्टिवल है, किसी का शादी है, आप नहीं आ रही हो, तो चलो जल्दी से हम जा रहे हैं। तो सभी स्त्रियां वहां के गांव की सज धज के जा रही थी उस शादी के लिए। तो आवड़ी को भी बुलाते हैं, तो आवड़ी बोलती है, ठीक है मैं आती हूँ, थोड़ा नहा धो के अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के मैं आती हूँ। तो वो आगे जाती है स्त्रियां बाकी की, तो आवड़ी तुरंत नहाने के लिए जाती है क्योंकि उसको उस शादी में जाना होता है। तो तुकाराम महाराज घर में बैठ के अपना जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे। तो उस समय जब आवड़ी जाती है नहाने के लिए, तो उधर बाथरूम के ऊपर वो साड़ी डाल देती है ऐसे दरवाजे के ऊपर। उसके पास एक ही साड़ी होता है क्योंकि तुकाराम महाराज उसको दूसरी साड़ी लेके नहीं देते, एक ही साड़ी पे वो गुजारा करती है आवड़ी, उनकी पत्नी। तो एक साड़ी होता है जो वो पहनती है, वो साड़ी वो बाथरूम के दरवाजे के ऊपर रखती है और अंदर नहाती है। तो उसी समय जब तुकाराम महाराज वहां पे थे घर पे, एक बूढ़ी औरत वहां पे आती उनके घर पे और बोलती है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो तुकाराम महाराज बाहर आते बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए माता? तो बोलते हैं, वो माता बोलती है, बूढ़ी स्त्री बोलती है कि मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है, ये फटी हुई साड़ी मैं पहनती हूँ, मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं, एक साड़ी होगी आपके घर पे तो दे दो। तुकाराम महाराज बोलते हैं, ठीक है रुको रुको मैं अभी आता हूँ। फिर जाते हैं घर के अंदर, देखते हैं साड़ी साड़ी साड़ी, घर में तो एक ही साड़ी है, वो अपनी पत्नी पहनती है एक ही साड़ी, और वो भी अभी वो नहा रही, तो वो साड़ी उन्होंने बाथरूम के दरवाजे के ऊपर रखी थी। तुकाराम महाराज देखते, अरे वाह ये साड़ी है, चलो ये साड़ी वो निकालते वहां से और जो बूढ़ी स्त्री है उसको आके दे देते, बोलते ये ले लो साड़ी। तो बूढ़ी स्त्री बहुत खुश हो जाती है, तुकाराम महाराज को आशीर्वाद देती है और वहां से चली जाती है। तुकाराम महाराज को अभी पता चलता है, ये एक ही साड़ी थी मेरे पत्नी के पास और वो नहा रही है अंदर, और ये साड़ी अभी मैंने दे दी है। तो वो वहां से घर से भाग जाते हैं, बाहर जाते हैं, भंडारा डोंगर पे जाते हैं और उधर जप करते बैठते हैं, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। और फिर ये अवड़ी जब नहाती है और देखती है कि अरे इधर तो मैंने साड़ी रखी थी थोड़ी देर पहले, साड़ी कहाँ गई? और उसको बाद में पता चल जाता है, ये तुक्या नहीं किया रहेंगे, ये जो तुक्या है ना ऐसे करता है, मेरा एक साड़ी था वो भी दे दिया, एक तो घर चला था नहीं, सिर्फ राम कृष्ण हरि करके करते रहता है, और ये जो मेरा एक साड़ी था, एकलौता एक साड़ी, वो भी उसने दे दिया किसी को, अभी मैं क्या पहनूं, मुझे जाना है किसी के शादी पे, अभी क्या पहनूं क्या पहनूं। और वो बहुत कोसती है तुकाराम महाराज को, बोलती है जैसे एक बिच्छू होता है जब किसी को काटता है तो तुरंत जाके छुप जाता है ताकि कोई उसको मारे नहीं, वैसे तुकिया जो है मेरी साड़ी किसी को दे के वो छुप गया कहीं तो चला गया। तो बहुत कोसती है, तुकाराम महाराज को कोसती है, भगवान को कोसती है, सबको कोसती है, और उधर रोती है बाथरूम में क्योंकि उसके शरीर पे कुछ कपड़े ही नहीं। तो फिर बाद में भगवान को दया आती है क्योंकि भगवान देख रहे हैं ये सब, और भगवान सोचते हैं अगर मैं अवड़ी का मदद नहीं करूंगा तो अवड़ी बाद में तुकाराम महाराज को मार डालेगी, इसलिए चलो अवड़ी का मदद कर दे। तो भगवान क्या करते हैं, साक्षात भगवान विट्ठल वहां पे आते हैं और अपना जो पीताम्बर है, सुंदर पीताम्बर वस्त्र, वो उधर डालते हैं बाथरूम के ऊपर, वो दरवाजे के ऊपर। और फिर आवड़ी देखती थोड़ी देर में, अरे इतना सुंदर साड़ी, इतना सुंदर वस्त्र, क्योंकि भगवान का जो पीताम्बर होता है इतना सुंदर होता है, जैसे एक बिजली होता है उसका कलर जैसा ये पीताम्बर होता है, और इतना सुंदर। और ये जब देखती आवड़ी तो बहुत खुश हो जाती, बोलती कि ये मेरी मंगलाई ने दी मुझे, मंगलाई ने बचाया, भगवान विट्ठल ने बचाया, और बोलती है मंगलाई ने बचाया। तो फिर वो तुरंत लेती है वो पीताम्बर और पहनती है वो नहाने के बाद, और इतनी सुंदर लगती है उस पीताम्बर में। और फिर बाकी की जो स्त्रियां जा रहे हैं तो बोलती है, अरे अवड़ी तुम कितना सुंदर लगती हो, और हमको तो पता ही नहीं तुम्हारे घर में इतने कीमती साड़ियां है, हमको तो बताते नहीं, हमको लगा था ये तुकाराम तो बहुत गरीब है, उसके घर पे कुछ नहीं है, लेकिन तुम बहुत चालू हो, तुम्हारे घर पे इतना अच्छा अच्छा साड़ी है। और फिर वो साड़ी पहन के अवड़ी जाती है शादी में, सब उसकी तरफ देखते हैं क्योंकि वो भगवान का साक्षात पीताम्बर पहनी। तो ऐसे जो तुकाराम महाराज है वो भगवान के नामों में, भगवान के सेवा में हमेशा रत रहते थे, उनको बाकी किसी की चिंता नहीं थी, सिर्फ भगवान की चिंता थी बस, इसलिए भगवान उनकी चिंता करते थे। तो अगर हम भगवान के नामों में, भगवान की सेवा में रत रहते हैं तो भगवान चिंता करते हैं, भगवान हमें योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान हमें देते हैं। अगर हमारा मन जो है हमारे भगवान के नाम में, अगर हमारा मन भगवान के नाम में, तो भगवान हमारे कामों में,
अगर हमारा मन हमारे काम में तो भगवान अपने धाम में, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा में हम रत रहेंगे तो भगवान हमारे सारी जो जरूरत है उसकी पूर्ति करते हैं। हम ये सीखते हैं। आप इस लीला से क्या सीखते हैं तुकाराम महाराज की इस लीला से, आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।